अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर आप सबका इस लाइव वीडियो में इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले तो हमारे जो हुज्जाज इकराम हज पर गए हैं इस साल, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है इनकी इबादतों को और इनके जाने को और इनके हज को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है कबूल फरमाए। और जो हजरात आज जो है अरफात का रोज़ा रखे हैं, अल्लाह ताला जो है उनके रोज़े को कबूल फरमाए। और जो लोग जो है कुर्बानी दे रहे हैं इस साल, अल्लाह ताला जो है उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। और जो लोग जो है मशक्क़तों के बाद, मेहनत के बाद जो लोग अपने यानी कि कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, अल्लाह ताला जो है इनकी कुर्बानी को भी कबूल फरमाए। और एक बात यह है कि बहुत सारे लोग जो है इस्तेतात रखने के बावजूद भी, पैसा रखने के बावजूद भी, इस्तेतात रखने के बावजूद भी लोग जो है कुर्बानी नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि देखिए, जब हम इतना पैसा इधर उधर खर्चा करते हैं और यहाँ वहाँ हम पैसे उड़ाते हैं, तो क्यों ना हम जो है साल में एक बार जो बकरीद आती है इस पर जो है ना हम क्यों जो है पीछे हट जाते हैं। तो यही कुर्बानी होती है और यही कुर्बानी जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है। और जो लोग पैसा रखने के बाद जो है जो दिखावा करते हैं, शो ऑफ करते हैं बकरों का, बकरे लाकर या गाय लाकर या बैल लाकर या फिर जो है ऊंट लाकर जो दिखावा करते हैं, शो ऑफ मारते हैं, तो ऐसे लोगों को भी चाहिए कि भाई देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि ना तुम्हारा खून ना तुम्हारा गोश्त जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहुँचता है, जो चीज़ पहुँचती है वो तुम्हारा तकवा है। तो बहरहाल ये चीज़ें जो है हम लोगों को जहन में रखना है। तो वैसे एंगेजमेंट हमारे इस पेज पर जो है ऑलमोस्ट नील के बराबर हो गया था, तो मैंने सोचा कि जो है इस लाइव वीडियो के थ्रू एक पैगाम, एक मैसेज आप लोगों तक पहुंचाऊं। और जो है जो हुज्जाज हमारे खास तौर पर जो हमारे खास दोस्त इस साल जो गए हैं हज पर, तो जो है अल्लाह ताला इनके हज को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इनकी मशक्क़तों को और मेहनत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।